दहेज प्रताड़ना के नाम पर नारी शक्ति को कलंकित करने का मामला धांधला में प्रकाश में आया है। नगर के राठौर परिवार की बहू और राणापुर में निवासरत बिना माता पिता की बेटी को काका ने बेटी की तरह पाल पोस कर उसकी शादी धांधला निवासी मोतीलाल राठौर के छोटे बेटे अनिल के साथ वर्ष 2012 में संपन्न हुई थी। शादी के 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद शिवानी को 2018 से ससुराल में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और अन्य मामलों में उसकी सास शांति बाई, ससुर मोतीलाल जेठ महावीर द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा। स्थानीय बिहार पक्ष के छोटे मोटे मामलों में हस्तक्षेप न करना उचित समझा शिवानी को समझा बुझा कर पुनः थानला भेज दिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने के साथ शिवानी का जेठ महावीर उस पर गलत नियत रखता था। शिवानी के पति अनिल से कोई विवाद नहीं है। पीड़िता का 1 5 वर्ष का बालक 3 वर्ष की बच्ची भी है। इसी कड़ी के तहत शिवानी 1 महीने बाद राणापुर से 21 दिसंबर को थानला आई थी, जहाँ उसकी सास शांतिबाई, ससुर मोतीलाल जेठ महावीर ने मारपीट कर आरोप लगाया और चाकू से हमला भी किया। ये पूरा मामला में भी थाने पहुंचा था, किंतु 21 दिसंबर को चाकू से जानलेवा हमला महिला पर किया गया। पीहर पक्ष की उपस्थिति में स्थानीय थाने में पीड़िता की ओर से सास ससुर और जेठ पर दहेज प्रताड़ना की धारा 498A, 506, 323, 307, 34 में मामला दर्ज किया गया। ससुराल आई, पहले मैं तेजाजी मंदिर वाली दुकान पर गई तो वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे नहीं मिले, तो मैं वापस यहाँ पर न्यू बस स्टैंड वाली दुकान पर आई तो वहाँ पर मेरे ससुर जी ने मेरे पे मारपीट की। उसके बाद मेरे जेठ आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तू मेरे साथ बिस्तर पर चलेगी तो ही मैं तेरे को घर के अंदर आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। और मैंने जब इनकार करा तो मुझे है ना चाकू से मेरे ऊपर हमला करा, पहले तो मेरा एक हाथ मोड़ दिया और दूसरे से चाकू से मेरे ऊपर हमला करा और मैंने जोर से हाथ पे चाकू लग गया। और फिर उधर से मेरी सास आई तो मुझे बाल से घिसट घिसट के मारा और रोड पे बहुत लोग इकट्ठे हो गए और फिर मेरे को थाने लेके आए। फिर मैंने मेरे घर वालों को खबर पहुँचाई और मेरे घर वालों ने आके हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई। उसके बाद पहले भी 2018 में भी मेरे जेठ की मुझ पर बुरी नीयत थी, तो वो आए दिन मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था और मुझे घर में और राजीनामा होने के बाद से ही है ना मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लग गए। 2.5 साल से मेरे माता पिता का भी उनके घर पर आना जाना नहीं है और आए दिन मारपीट करते हैं। इस कारण से मेरे पति मुझे है ना राणापुर में किराए के मकान में रख रहे थे, पर वो किराए के मकान में भी नहीं आ रहा और मेरे 1 महीने से नहीं आ रहा, ना मेरे पास खाने पीने की कोई सुविधा है। मैं मेरी छोटी सी बच्ची को लेकर अकेली किराए के मकान में कैसे रहूँ? और मेरे बेटे को मेरे ससुर जी राणापुर आए थे तो क्या बोलते रहे पर ठंडला आएगी, तो भी मैं TI मैडम के पास राणापुर में गई तो TI मैडम ने कहा कि आप ठंडला ही जाओ, वहीं पर ही आपका न्याय होगा। पर ठंडला थाने पर भी आने के बाद यहाँ पर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने मेरे माता पिता को बुलाया और मेरी FIR दर्ज करवाई। खास्त है कि मेरा न्याय करवाई और मेरे को मेरे पति की सुपुर्दगिरी करें मेरे हस्बैंड। यहाँ से उनको पता चला कि मैं आ गई तो वो यहाँ से भाग के चले गए और मेरे लड़के को भी इन लोगों ने रख रखा। आगे मैं उसको मेरे साथ ही ले जाना चाहती हूँ क्योंकि वो है ना मेरे लड़के को बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं। बहुत बच्चा 6 साल का है और लड़की 3.5 साल की है और मैं अकेले किराए के मकान भी दिलाया ना उन्होंने मुझे, तो 5 6 लड़के नीचे रहते हैं और मैं एक अकेली महिला वहाँ पर किराए के मकान में मेरी बच्ची को लेके रह रही हूँ और ये मेरे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाते हैं जान करके मुझे ना बदचलन साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरे पति ने मेरे को किराए का मकान दिलवाया वहाँ पर राणापुर में।